अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शानदार वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों 14 नए इश्तहारात आए हैं। कौन कौन से इश्तहारात हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों का मुकम्मल तफसील के साथ गाइड करूँगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन वैकेंसी की मालूम डेली बेसिस में जितनी भी नई नौकरियाँ आती हैं उनकी मालूम देखना चाहती हैं तो दोस्तों आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप लोगों ने टाइप करना है डेली जॉब इन्फॉर्म डॉट, इकट्ठा दोस्तों आप लोगों ने टाइप करना है, पहले नंबर पे आप लोगों को हमारी वेबसाइट मिल जाएगी डेली जॉब इन्फो के नाम से। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप लोग आसानी से उस लिंक पे क्लिक करें तो आप लोगों के पास इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाए। रोजाना की बुनियाद पर जितनी भी नई वैकेंसी आती हैं इस वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाती हैं। दोस्तों टुडे जॉब की कैटेगरी में आप लोगों ने जाना है, इसके जितनी भी नई नौकरियां यहाँ पे अपडेट कर दी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आना है, यहाँ पे वो आप लोगों को तमाम वैकेंसी मिल जाएंगी जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तमाम इश्तहारात की तफसील आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमारी वेबसाइट डेली जॉब इन्फॉर्म डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम को फॉलो भी कर सकते हैं, इससे ये होगा आप लोगों को डेली बेसिस पर रोजाना की मालूम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले इश्तहारात की तरफ। सबसे पहले इश्तहारा दोस्तों गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, इसमें दोस्तों रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की वैकेंसी है और ट्रेजर की दोस्तों वैकेंसी है। हर एक के आगे असामियों की तादाद और उसका क्राइटेरिया लिखा हुआ नीचे और मजीद दोस्तों यहाँ पर नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका का लिखा हुआ है। अगला इश्तहार है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी नारोवाल में वैकेंसीज हैं, इसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना तहसील नारोवाल, इसकी 6 वैकेंसीज हैं। तहसील शकरगढ़ की 7 वैकेंसीज हैं, जफरवाल की 7 वैकेंसीज हैं, टोटल दोस्तों 20 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर उसका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ है। अगला इश्तहार है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी खुशाब में वॉक इन इंटरव्यू का एहतमाम किया गया है, इसमें दोस्तों स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन पीडियाट्रिशियन ईएनटी एनेस्थीसियस्ट फिजिशियन ईएनटी स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की वैकेंसीज हैं। मजीद दोस्तों यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर वुमेन मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, डेंटल सर्जन की वैकेंसीज हैं और 4 नर्स की दोस्तों वैकेंसीज हैं और नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ है। अगला इश्तहार है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शेखपुरा में दोस्तों वैकेंसीज हैं, इसमें 99 दिन के लिए आर्जी तौर पर आप लोगों को हायर किया जा रहा है और इसमें सैनिटरी पेट्रोल की दोस्तों वैकेंसीज हैं, 18 से 25 साल तक की एज की लिमिट है। इन तमाम इश्तहार की तफसील आप लोगों को हमारी वेबसाइट डेली जॉब इन्फॉर्म डॉट ब्लॉग स्पॉट पे मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला इश्तहार है दोस्तों फेडरल इंश्योरेंस ओबेडमेंट सेक्रेटरीट में वैकेंसी है, इसमें एडवाइज़र की 1 वैकेंसी है, एडवाइज़र या कंसल्टेंट की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 1 वैकेंसी है और ऑफिस असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज हैं। हर एक के आगे सामी की तादाद, सैलरी पैकेज, तालीमी काबिलियत या तजर्बा और किस जगह पर जॉब होगी आप लोगों की मुकम्मल तफसील लिखी हुई है। अगला इश्तहार है दोस्तों जीसी यूनिवर्सिटी सियालकोट में दोस्तों वैकेंसी दें, इसमें दोस्तों प्रोफेसर की सबसे पहले कैटेगरी है, इसमें दोस्तों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू और जुआलॉजी के दोस्तों वैकेंसी दें, जबकि दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर में भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसी दें। यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं
और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 200 वैकेंसीज हैं, और लास्ट में यहाँ पे लेक्चरर फीमेल के भी वैकेंसीज हैं। नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका का लिखा हुआ है दोस्तों। इन तमाम इश्तहारात की तफसील आप लोगों को हमारी वेबसाइट dailyjobinform.blogspot.com पे मिल जाएगी। अगला इश्तहार है दोस्तों दा इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, इसमें दोस्तों ट्रेजर की वैकेंसी है और नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका का लिखा हुआ है। उससे अगला इश्तहार है दोस्तों द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की वैकेंसीज हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और आगे दोस्तों असामियों की तादाद भी लिखी हुई है और नीचे यहाँ पे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ है। अगला इश्तहार है दोस्तों पाकिस्तान रेलवे में दोस्तों वैकेंसी है हेड क्वार्टर ऑफिस लाहौर में, इसमें वर्क्स अकाउंटेंट की वैकेंसी है, हेड क्लर्क की वैकेंसी है और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ है। अगला इश्तहार है दोस्तों मोहम्मद नवासी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में वैकेंसी है, इसमें दोस्तों प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरर की 200 वैकेंसी है। नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ है। अगला इश्तहार है प्रोविजनल असेंबली ऑफ पंजाब में वैकेंसी है, इसमें दोस्तों रिसर्च ऑफिसर जनरल, रिसर्च ऑफिसर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसकी 5 वैकेंसी है और रिसर्च ऑफिसर लीगल ड्राफ्टिंग, इसकी 4 वैकेंसी है, इंटरप्रेटर 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 1 है, प्रोटोकॉल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, सीरियल नंबर 1 से लेकर दोस्तों सीरियल नंबर 38 तक की दोस्तों ये वैकेंसी हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में दोस्तों ये वैकेंसी हैं, हर एक के आगे असामियों की तादाद, एज की लिमिट और तालीम काबिलियत लिखी हुई है और नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ है। इन तमाम इश्तहारात की तफसील आप लोगों को हमारी वेबसाइट dailyjobinform.blogspot.com पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक दोस्तों आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला इश्तहार है दोस्तों द अर्बन यूनिट, इसमें दोस्तों वैकेंसी आई है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एनालिस्ट GIS डेवलपर और सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है, मॉनिटरिंग इंजीनियर की 6 वैकेंसी है, रिसर्च एसोसिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसकी 1 वैकेंसी है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 1 वैकेंसी है, डिफरेंट दोस्तों शुभ में वैकेंसी है। नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका का लिखा हुआ है। अगला इश्तहार है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशहर में दोस्तों वैकेंसी है, इसमें दोस्तों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और नीचे दोस्तों उसकी तालीमी काबिलियत के हवाले से, तजर्बे के हवाले से डिटेल लिखी हुई है। नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ है। लास्ट में दोस्तों जो इश्तहार है यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट की तरफ से दोस्तों वैकेंसी है, इसमें प्रोफेसर, प्रोफेसर रेगुलर और असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 200 वैकेंसी है। नीचे अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थे वो तमाम इश्तहारात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इन तमाम इश्तहारात की तफसील आप लोगों को हमारी वेबसाइट dailyjobinform.blogspot.com पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मज़ीद इस तरह के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।